आज हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ सिविल जज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2014 का फर्स्ट क्वेश्चन. बात करता है, ए ने इंटेंशनली बी की डेथ करी, पार्टली तो उसे खाना ना देकर और पार्टली उसे मारकर. तो ए ने यहाँ क्या ऑफेंस किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, मर्डर, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 36 ऑफ आईपीसी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई ऐसा एक्ट किया जो कोर्ट के ऑर्डर से किया जा रहा है, अगर वो गुड फेथ में किया जाता है तो वो किस जनरल एक्सेप्शन में फॉल करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सेक्शन 78. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने बी को इंस्टिगेट किया कि वो सी का मर्डर करे, बट बी ने मना कर दिया, तो यहाँ ए ने क्या ऑफेंस किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, अबेटमेंट ऑफ मर्डर. इसके लिए आप रेफर कर सकते हैं सेक्शन 108 ऑफ आईपीसी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायटिंग की पनिशमेंट आईपीसी में कहाँ पर प्रोवाइडेड है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सेक्शन 147. रायटिंग को डिफाइन किया गया है सेक्शन 146 में, बट इसकी पनिशमेंट है सेक्शन 147 में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लीगली बाउंड है कि वो रायपुर में डिस्ट्रिक्ट जज के सामने एज अ विटनेस पेश हो, क्योंकि उसे समन इशू किया गया है कोर्ट द्वारा, बट वो इंटेंशनली अपीयर नहीं होता, तो वो आईपीसी के किस सेक्शन में गिल्टी होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन सेकंड, सेक्शन 174 में वो गिल्टी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ये जानते हुए कि बी ने सी का मर्डर किया है, बी को असिस्ट करता है वो बॉडी हाइड करने के लिए, ताकि बी किसी तरह की पनिशमेंट से बच जाए. तो यहाँ ए ने क्या ऑफेंस किया है, मतलब वो किस पनिशमेंट के लिए लायबल होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन वन, 7 ईयर्स की इम्प्रिजमेंट और फाइन के लिए वो लायबल होगा. इसके लिए आप रेफर कर सकते हैं सेक्शन 201 ऑफ आईपीसी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेप के विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करने पर पनिशमेंट किस सेक्शन में प्रोवाइडेड है? इसका आंसर है ऑप्शन फोर, सेक्शन 228A ऑफ आईपीसी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी आईपीसी के किस चैप्टर में प्रोवाइडेड है? तो इसका आंसर है ऑप्शन फोर, चैप्टर 16. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक पुलिस ऑफिसर है जो बी को इंड्यूस करता है कि वो कन्फेस करे कि ये क्राइम उसी ने कमिट किया है, तो यहाँ पुलिस ऑफिसर ए किस प्रोविजन में गिल्टी होंगे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, सेक्शन 330 ऑफ आईपीसी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने किसी डॉक्यूमेंट पे अपने खुद के साइन करे ये इंटेंशन से कि उस सेम नेम के किसी और पर्सन ने उस डॉक्यूमेंट पे साइन किए हो, तो यहाँ ए ने किस प्रोविजन के अंडर ऑफेंस किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, सेक्शन 464. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की लिस्ट सीआरपीसी में कहाँ पर प्रोवाइडेड है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, शेड्यूल 1 ऑफ सीआरपीसी. यहाँ मिसप्रिंट है, सेक्शन 1 लिखा है, यहाँ शेड्यूल 1 आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 6 ऑफ सीआरपीसी में क्या चीज़ प्रोवाइडेड है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्ली बार्गेनिंग सीआरपीसी में कहाँ पर प्रोवाइडेड है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, चैप्टर 21A. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 106 ऑफ सीआरपीसी में जो बोंड भरवाए जाते हैं, तो ये बोंड भरवाए जाने की पावर किसके पास है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, नन ऑफ दी अब, कि इस तरह के बोंड सेशन कोर्ट या मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ फर्स्ट क्लास ही भरवाएंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी में कॉग्निजेबल ऑफेंस कहाँ पर डिफाइंड है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सेक्शन 2, क्लोज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 41C ऑफ सीआरपीसी के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट पुलिस कंट्रोल रूम कहाँ पर एस्टेब्लिश करवा सकती हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रोविजन में ये बात की गई है कि अरेस्टेड पर्सन के पास राइट है कि वो अपनी चॉइस के एडवोकेट से बात कर सकता है जब उसकी इंटरोगेशन चल रही होगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, सेक्शन 41D ऑफ सीआरपीसी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 102 ऑफ सीआरपीसी में कौन ऑथराइज है स्टोलन प्रॉपर्टी को सीज करने के लिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, पुलिस ऑफिसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईकोर्ट की रिविजन की पावर सीआरपीसी के किस प्रोविजन में प्रोवाइडेड है? इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, सेक्शन 401 ऑफ सीआरपीसी.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 468 ऑफ सीआरपीसी के अकॉर्डिंग अगर कोई ऑफेंस जिसकी इंप्रिजमेंट 1 साल से ज़्यादा पर 3 साल से कम है, तो इस ऑफेंस के कॉग्निजेंस लेने का लिमिटेशन पीरियड क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, 3 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रॉपर्टी की अटैचमेंट के बाद अगर उस प्रॉपर्टी की एलिनिएशन की जाती है, मतलब वो प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफ़र की जाती है, तो ये ट्रांसफ़र वॉइड होगी। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, वॉइड। इसके लिए आप रेफ़र कर सकते हैं सेक्शन 64 ऑफ सीपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 75 सीपीसी में क्या चीज़ प्रोवाइडेड है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, पावर टू इशू कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीसी में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किस प्रोविजन में प्रोवाइडेड है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 100 सीपीसी के अकॉर्डिंग सेकंड अपील करने के लिए असेंशियल कंडीशन क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होना चाहिए, तभी सेकंड अपील लाई करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोर्ट के सामने अगर कोई केस पेंडिंग है और कोर्ट इस बात से सेटिस्फाइड है कि इस केस में किसी एक्ट की वैलिडिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन इन्वॉल्व है, तो कोर्ट को क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, रेफर द मैटर टू द हाई कोर्ट। इसके लिए आप रेफर कर सकते हैं सेक्शन 113 एंड ऑर्डर 46 ऑफ सीपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एग्जेम्प्टेड है कोर्ट के सामने पर्सनली अपीयर होने से? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बात करता है मिनिस्टर ऑफ यूनियन, सेकेंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, थर्ड जजेस ऑफ हाई कोर्ट, फोर्थ ऑप्शन इज ऑल द अबव। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द अबव। इसके लिए आप रेफर कर सकते हैं सेक्शन 133 ऑफ सीपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैवियट का पीरियड ऑफ ऑपरेशन क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, 90 डेज। इसके लिए आप रेफर कर सकते हैं सेक्शन 148 ए ऑफ सीपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डॉक्यूमेंट जो कि प्लेंट के साथ प्रोड्यूस नहीं किया गया, जो कि प्लेंटिव प्रोड्यूस कर सकता था प्लेंट के टाइम में, क्या अब उस डॉक्यूमेंट को प्लेंटिफ के बिहाफ पे एविडेंस में रिसीव किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, ओनली विद द लीव ऑफ द कोर्ट, कोर्ट से परमिशन लेने के बाद ही वो एविडेंस में पेश किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। इसके लिए आप रेफर कर सकते हैं ऑर्डर 7, रूल 14 ऑफ सीपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोर्ट के सामने हियरिंग की डेट पे अगर कोई भी पार्टी अपीयर नहीं होती तो कोर्ट क्या कर सकती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, डिसमिसल ऑफ सूट। तो कोर्ट उस सूट को डिसमिस कर देगी। इसके लिए आप रेफर कर सकते हैं ऑर्डर 9, रूल 3 ऑफ सीपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीसी के अकॉर्डिंग जजमेंट प्रोनाउंसमेंट के जजमेंट प्रोनाउंस हो जाने के बाद कोर्ट को कितना टाइम दिया जाएगा डिक्री को बनाने के लिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, 15 डेज। इसके लिए आप रेफर कर सकते हैं ऑर्डर 20, रूल 6 ए ऑफ सीपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 3 ऑफ एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग कोर्ट में क्या इंक्लूड नहीं होता? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, आर्बिट्रेटर्स कोर्ट में इंक्लूड नहीं होते अकॉर्डिंग टू द एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एविडेंस एक्ट के सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग एविडेंस एक्ट एनफोर्स में कब आया? तो इसका आंसर होगा सेप्टेम्बर 1, 1872। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एविडेंस एक्ट में कितने चैप्टर्स और सेक्शंस हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, 11 चैप्टर्स एंड 167 सेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एविडेंस एक्ट में प्रिंसिपल ऑफ रेस जस्टे कहाँ पर इंक्लूड हैं? तो इसका आंसर होगा सेक्शन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए को ट्राई किया जा रहा है बी के मर्डर के लिए कि उसने उसे पोटेशियम साइनाइड देकर उसका मर्डर किया है, ये फैक्ट कि ए ने पोटेशियम साइनाइड परचेज किया था बी के मर्डर से पहले रेलेवेंट होगा किस सेक्शन में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, सेक्शन 8 में एज अ प्रीवियस कंडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एविडेंस एक्ट के किस सेक्शन में ये प्रोवाइड किया गया है कि कोई कंडीशन जो अदरवाइज रेलेवेंट नहीं है तो वो उस सेक्शन में रेलेवेंट होंगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एविडेंस एक्ट में कन्फेशन कहाँ पे डिफाइन की गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, एविडेंस एक्ट में कहीं पे भी कन्फेशन डिफाइन नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडमिशन की एविडेंशियरी वैल्यू क्या होगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, ये एस्टॉपल की तरह यूज़ होंगी। इसके लिए आप रेफ़र कर सकते हैं सेक्शन 31 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एविडेंस एक्ट के किस चैप्टर में बर्डन ऑफ प्रूफ कोडिफाइड है? तो इसका आंसर होगा
ऑप्शन फोर चैप्टर सेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 119 के अकॉर्डिंग डम विटनेस द्वारा दी गई एविडेंस क्या ट्रीट होगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन वन, ये ओरल एविडेंस ट्रीट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में वर्ड सोशलिस्ट जो ऐड किया गया था वो किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन वन, सेक्शन टू ऑफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रोविजन प्रेसिडेंट को ये एम्पावर करता है कि वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, आर्टिकल 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनी बिल जो कि लोकसभा ने पास कर दिया वो ये समझा जाएगा कि राज्यसभा ने भी पास कर दिया अगर कितने दिन तक एक्शन नहीं लिया जाता? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, 14 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कब अडॉप्ट किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, नवंबर 26, 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मेजॉरिटी से ये हेल्ड किया कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती अपनी पावर को यूज़ करते हुए आर्टिकल 368 में? तो इसका आंसर है ऑप्शन थर्ड, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट वुमेन जज कौन थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन वन, एम फातिमा बीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का टेन्योर कितना होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन फोर, 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा प्रोविजन प्रेसिडेंट को ये इम्यूनिटी देता है कि वो किसी भी कोर्ट के लिए आंसरेबल नहीं होंगे अपने ऑफिशियल एक्ट्स को लेकर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर, आर्टिकल 361। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो इसकी मैक्सिमम पीरियड क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थ्री, 2 मंथ्स। इसके लिए आप रेफर कर सकते हैं आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फ्री कंसेंट कहाँ पर डिफाइंड है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, सेक्शन 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एग्रीमेंट जो कि सर्टेन नहीं है तो उनका नेचर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगर कोई एग्रीमेंट सर्टेन नहीं है तो वो वॉइड होंगे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, वॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर डिफाइंड है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, सेक्शन 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 40 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किस बात से डील करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन वन, अबाउट पर्सन बाय होम द प्रोमिस इज टू बी परफॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रिलेशन रिजेम्बलिंग विद कॉन्ट्रैक्ट्स किस चैप्टर में प्रोवाइडेड हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, चैप्टर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फाइंडर ऑफ गुड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस प्रोविजन में प्रोवाइडेड है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, सेक्शन 71 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इन फोर्स में कब आया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, नन ऑफ द अबव, क्योंकि TPA इन फोर्स में आया था July 1, 1882। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कंडीशन ऑफ ओरल ट्रांसफर कहाँ पे प्रोवाइडेड है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, सेक्शन 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 58 ऑफ TPA में क्या डिफाइन किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है मोर्टगेजर, सेकंड इज मोर्टगेज, थर्ड इज मोर्टगेज मनी, फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TPA में राइट एंड लाइबिलिटी ऑफ मोर्टगेजी कहाँ पर प्रोवाइडेड है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सेक्शन 67 to 77। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TPA में राइट ऑफ सेलर एंड बायर कहाँ पर प्रोवाइडेड है? तो इसका आंसर होगा सेक्शन 55 ऑफ TPA, मीन्स ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TPA में इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर ऑफ लीज कहाँ पर प्रोवाइडेड है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सेक्शन 116 ऑफ TPA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TPA में ऑनरस गिफ्ट कहाँ पर प्रोवाइडेड है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, सेक्शन 127। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कब एनफोर्स हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, March 1, 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 44 ऑफ SRA किस बात से रिलेटेड है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, रिपील हो चुका है ये सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में परपेचुअल इंजंक्शन से रिलेटेड प्रोविजन किस सेक्शन में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, सेक्शन 38 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंडेटरी इंजंक्शन से रिलेटेड प्रोविजन एसआरए में कहाँ पर प्रोवाइडेड है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सेक्शन 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 42 ऑफ एसआरए में क्या चीज़ प्रोवाइडेड है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन वन, इंजंक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव एग्रीमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिटेशन पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए टाइम डेट जो इंस्ट्रूमेंट में यूज़ की गई है उसको कैलकुलेट किस कैलेंडर के अकॉर्डिंग करेंगे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर, जियोर्जियन कैलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई सूट जिसके लिए कोई लिमिटेशन प्रोवाइडेड नहीं है तो उसके लिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन वन, 3 ईयर्स। इसके लिए आप रेफर कर सकते हैं आर्टिकल 113 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग ईजमेंट एक्वायर करने की वे ऑफ प्रिस्क्रिप्शन किस सेक्शन में प्रोवाइडेड है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, सेक्शन 25 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन लिमिटेशन एक्ट में किसी राइट के अक्रूअल से पहले अगर डेथ हो जाती है तो इस तरह के प्रोविजन किस सेक्शन में प्रोवाइडेड हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन वन, सेक्शन 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 6 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में जो ग्राउंड ऑफ लीगल डिसेबिलिटी प्रोवाइड की गई हैं उनके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? फर्स्ट ऑप्शन बात करता है माइनॉरिटी, सेकंड इज़ इंसैनिटी, थर्ड इज़ आईडीओसी, तो और फोर्थ इज़ ऑल दी अबव। तो इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, ऑल दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिस्ट्रेशन एक्ट में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन को कौन अपॉइंट करता है? तो इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, स्टेट गवर्नमेंट। इसके लिए आप रेफर कर सकते हैं सेक्शन 8 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रजिस्ट्रार का ऑफिस टेम्पररीली वेकेंट होगा तो किसके पास ये पावर है कि वो एज अ रजिस्ट्रार एक्ट करे जब तक कि कोई परमानेंट अरेंजमेंट नहीं हो जाता? तो इसका आंसर है ऑप्शन थर्ड, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसके लिए आप रेफर कर सकते हैं सेक्शन 10 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 16A ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट को कब इंसर्ट किया गया? तो इसका आंसर है ईयर 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट में क्या प्रोवाइड किया गया है? तो इसका आंसर होगा डॉक्यूमेंट ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिस्ट्रेशन एक्ट में री रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के प्रोविजन किस सेक्शन में मेंशन है? तो इसका आंसर है सेक्शन 23A, मींस ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में प्रोमिसरी नोट मिनिमम कितने पीरियड के लिए ड्रॉन होते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन 4, इसके लिए कोई लिमिटेशन पीरियड प्रोवाइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे डिफाइन किए गए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन 3, सेक्शन 13 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बिल ऑफ एक्सचेंज कहाँ पर डिफाइन किए गए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन 1, सेक्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई इंस्ट्रूमेंट जिसे स्टॉप पेमेंट किया गया है तो वो कब तक वैलिड होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन 4, नन ऑफ द अबव, इसके लिए कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में पब्लिक हॉलीडेज कहाँ पर एक्सप्लेन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन 4, सेक्शन 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्ट फीस एक्ट कब इन्फोर्स में आया? तो इसका आंसर है अप्रैल 1, 1870। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्ट फीस एक्ट में रिफंड ऑफ फीस ऑन एप्लीकेशन ऑफ रिव्यू ऑफ जजमेंट ये कौन से सेक्शन में प्रोवाइडेड है? तो इसका आंसर है ऑप्शन 4, सेक्शन 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 19 ऑफ कोर्ट फीस एक्ट किस बात से रिलेटेड है? तो इसका आंसर है ऑप्शन 1, डॉक्यूमेंट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कोर्ट फीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 5 ऑफ कोर्ट फीस एक्ट किस चीज़ से रिलेटेड है? तो इसका आंसर है ऑप्शन 1, मोड ऑफ लिविंग फीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 कब इन्फोर्स में आया? तो इसका आंसर है नवंबर 6, 2012, मींस ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 के अकॉर्डिंग पावर ऑफ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल किस सेक्शन में प्रोवाइडेड है? तो इसका आंसर है ऑप्शन 1, सेक्शन 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेड्यूल 1 ऑफ छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट किस चीज़ से रिलेटेड है? तो इसका आंसर है राइट्स ऑफ टेनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग राइट ऑफ लैंडलॉर्ड कहाँ किस शेड्यूल में प्रोवाइडेड है? तो इसका आंसर है ऑप्शन 2, शेड्यूल 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 257 ऑफ लैंड रेवेन्यू कोड किस चीज़ से रिलेटेड? तो इसका आंसर है ऑप्शन 3, एक्सक्लूसिव ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ रेवेन्यू अथॉरिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड 1959 शेड्यूल 4 कब इंसर्ट किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन 2, छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड अमेंडमेंट एक्ट 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट के अंदर पावर टू डिक्लेयर अ ड्रिंक एज कंट्री लिकर इज वेस्टेड इन, मतलब ये पावर किसके पास है? तो इसका आंसर है ऑप्शन 4, स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट में पावर टू डिक्लेयर ड्रिंक एज फॉरेन लिकर, मीन्स किसी ड्रिंक को फॉरेन लिकर डिक्लेयर करना है, तो ये पावर किसके पास है? तो इसका आंसर है ऑप्शन 2, स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल ऑफ लिकर का लाइसेंस ग्रांट करने से पहले किसकी प्रायर परमिशन लेना ज़रूरी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन 3, कमांडिंग ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट के अकॉर्डिंग कितनी एज से कम के पर्सन को लिकर सेल नहीं की जा सकती? तो इसका आंसर है ऑप्शन 2, 21 ईयर्स ऑफ एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लिकर शॉप को क्लोज कराने की पावर पब्लिक पीस को प्रिजर्व करने के लिए किसके पास है? तो इसका आंसर है ऑप्शन 4, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भांग कल्टीवेशन अगर फर्स्ट टाइम किसी ने की है, मतलब फर्स्ट ऑफेंस किया है, तो वो कितने टाइम के लिए पनिशेबल होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन 1, इम्प्रिजमेंट ऑफ 6 months टू 2 years एंड फाइन ऑफ ₹10,000 to ₹50,000। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी।